जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजु मंगल भरण करण शुभ काजु। जय गजबदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता वक्र तुंड शुचि चुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन राजित मणि मुकुतन उर्माला स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला पुस्तक पानी कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित धनि शिव सुवन सड़ानन भ्राता गौरी ललन विश्व विख्याता रिद्धि सिद्धि तव चवर डुलावे मूषक वाहन सोहत द्वारे कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीनो भारी भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा अतिथि जानी के गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हुए तुम वर दीना मातु पुत्र हित जो तप कीना मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गण नायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना असकही अंतर ध्यान रूप हवे पल्ला पर बालक स्वरूप हवे बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गा वही नबते सुरन सुमन बरसा वही शंभु उमा बहुदान लुटा वही सुर मुनि जन सुत देखन आ वही लखी अति आनंद मंगल राजा देखन भी आये शनि राजा निज अवगुण गुन शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही गिरजा कछु मनु वेद पढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुम भायो कहन लगी शनि मन सकुचाई काकरियो शिशु माही दिखाई नहीं विश्वास उमा कर भरयो शनि सुबालक देखन कहयो पढ़त ही शनि दीर्घ कोण प्रकाशा बालक सिर उड़ गयो आकाशा गिरजा गिरी विकल हवे धरनी सो दुख दशा गयो नहीं बरनी हाहाकार मचियो कैलाशा शनि की नौलखी सुत का नाशा तुरत गरुड़ चरि विष्णु सिधाए काटी चक्र सो बज सिर लाए बालक के धड़ ऊपर धारियो प्राण मंत्र पड़ी शंकर डारियो नाम गणेश शंभु तब कीने प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना पृथ्वी कर प्रदीक्षिणा लीना चले शरानन भरमी बुलाई रच बैठी तुम बुद्धि उपाई चरणों मातु पितु के धर लीने तिनके साथ प्रदीक्षण कीने धनी गणेश कही शिव ही हर्षियो नपते सुरन सुमन बहु बर्षियो तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सके न गाई मैं मति हीन मलिन दुखारी करो कौन विधि विनय तुम्हारी भजत हम सब दास प्रभु दासा लख प्रयाग ककरा दुर्वासा अप्रभु दया दीन पर कीजिए अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान सम्मत अपन सहस्त्र दर्श ऋषि पंचमी दिनेश पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। भादो मास की शुक्ल पक्ष की चौथ को भगवान गणेश की जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को भगवान गणेश के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गजानन गणेश आप सभी की मनोकामना पूरी करें, सभी स्वस्थ और सुखी रहें। इसी शुभकामना के साथ आइए सुनते हैं गणेश चौथ की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक बार पार्वती जी उदास बैठी थी। उनकी उदासी का कारण था कि पार्वती जी जब भी स्नानागार में स्नान करने जाती तो बाहर किसी शिवगन को पहरे पर बैठा देती, लेकिन दुविधा थी कि पहरेदार बैठा होने के बाद भी शिवजी स्नानागार में प्रवेश कर जाते थे। किसी भी शिवगन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भगवान शिव को रोक सके, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। ऐसा कई बार हुआ कि पार्वती जी तो शिवगन को बैठा जाती, लेकिन शिवगन भगवान शिव के आते ही द्वार छोड़कर पीछे हट जाते और शिवजी अंदर चले जाते। इससे पार्वती जी को बहुत दुख होता था। पार्वती जी की दो सखियां थी, उनका नाम जया और विजया था। उन्होंने पार्वती जी को स्नानागार के बाहर एक ऐसा पहरेदार लगाने को कहा जो स्नानागार में भगवान शिव को भी न जाने दे, जो भगवान शिव को भी द्वार पर रोक सके।
पार्वती जी को भी ऐसा ही लगा कि द्वार पर कोई ऐसा पहरेदार होना चाहिए जो भगवान शिव को भी अंदर न आने दे। बस इसी विचार से पार्वती जी ने अपने सखियों की बात मानी और अपने मैल से एक इंसान का पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी। उसे आशीर्वाद देते हुए पार्वती देवी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हें यहाँ खड़े होकर पहरा देना है। जब तक मेरी आज्ञा न हो किसी को भी अंदर मत आने देना। इतना कहकर पार्वती जी ने उसे एक छड़ी दी और द्वार पर नियुक्त कर दिया और स्नानागार में चली गई। थोड़ी देर के बाद भगवान शंकर जी वहां पर आए तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। भगवान शंकर ने गणेश जी को समझाने का बहुत प्रयास किया कि उन्हें अंदर जाने दे, लेकिन गणेश जी तो माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। उन्होंने भगवान शंकर को भी अंदर नहीं आने दिया। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि गणेश जी को मारने के लिए शिवगण आ गए। जब उनसे भी बात न बनी तो सभी देवता आ गए और उनसे भी बात न बनी तो ब्रह्मा जी विष्णु जी आ गए और अंत में सबने हार मान ली। शंकर जी को बुलाया गया। बहुत घनघोर युद्ध हुआ लेकिन गणेश जी को तो कोई भी नहीं हरा पाया था। आखिरकार वे आदिशक्ति के पुत्र थे। तब शंकर जी और विष्णु जी ने देखा कि ऐसे तो इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता है, इसके लिए तो कोई चाल चलनी पड़ेगी। जब गणेश जी विष्णु जी के साथ लड़ने में व्यस्त थे तब शिव जी ने मौके का फायदा उठाया और गणेश के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जब इस बात का पता माता पार्वती को चला तो देवी पार्वती बहुत कुपित हो गई और क्रोध अवस्था में उन्होंने कई शक्तियों को अपने शरीर से निकाला और सभी संसार को खत्म करने का आदेश दे दिया। ऐसे में सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। अब तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब रोका कैसे जाए। सबने माता को समझाने की मनाने की बहुत कोशिश की पर सब व्यर्थ रहा। अंत में नारद जी ने कहा कि देवी भगवती उमा की स्तुति की जाए, इससे उनका क्रोध शांत हो जाएगा और ये सब विनाश रुक जाएगा। तब सबने ऐसा ही किया, पार्वती जी की स्तुति की। तब पार्वती जी का क्रोध शांत हुआ और वे इस बात पर मानी कि उनके पुत्र को दोबारा जीवित किया जाए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को ये बात बताई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उत्तर दिशा की ओर जाओ, वहां जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसी का सिर लाओ और गणेश के धड़ से जोड़ दो। सभी देवता उत्तर दिशा की ओर गए तो उन्हें सबसे पहले एक हाथी मिला। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार वे हाथी के मस्तक को ले आए और उसे गणेश के धड़ के ऊपर स्थापित कर दिया। गणेश जी के पुनर्जीवित होने के बाद भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जब भी किसी प्रकार की पूजा की जाएगी तो किसी अन्य देवता से पहले तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा जन्म भाद्रपद की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय में हुआ है, इसीलिए उस दिन तुम्हारा व्रत रखने से सभी कल्याण की प्राप्ति होगी। गणेश चतुर्थी का यह व्रत महिला और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं, ये सबके लिए लाभकारी होगा। तुम्हारा व्रत रखकर मनुष्य जिस जिस चीज की कामना करेगा उसे वह तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। भगवान गणेश के जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह को कुछ समय व्यतीत हो गया तो पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मुझे एक अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र की कामना है। इस पर भगवान शिव ने उनसे पुण्यक व्रत रखने को कहा, जिसे रखने से सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यह व्रत रखने की अवधि एक वर्ष की होती है। पार्वती जी ने पूरे विधि विधान से पुण्यक व्रत रखना आरंभ कर दिया। व्रत के संपूर्ण होने पर स्वयं भगवान कृष्ण बालक के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती के यहाँ पर अवतरित हुए। बालक के आने के बाद उनका जातक्रम संस्कार करवाया गया। संस्कार वाले दिन सभी देवता कैलाश पर एकत्रित हुए, सभी बालक को अपना आशीर्वाद दे रहे थे और तभी वहां पर शनिदेव भी आए। शनिदेव भी वहां पर भगवान गणेश के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने अपना सिर नीचे कर रखा था। वे ना तो माता पार्वती की ओर देख रहे थे और ना ही गणेश भगवान की ओर देख रहे थे। ये सब देखकर पार्वती जी को कुछ अजीब लगा। तब उन्होंने शनिदेव से पूछा कि आप हमारी ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? तो शनिदेव ने कहा कि मुझे मेरी पत्नी ने श्राप दिया है कि मैं जिसकी ओर भी देखूंगा उसका विनाश हो जाएगा। यह सुनकर तो देवी पार्वती और उनकी सखियां हंसने लगी। तब पार्वती जी ने कहा कि श्राप मिला है तो नष्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरा विचार है कि हमें कुछ नहीं होगा, इसीलिए आप बेझिझक मुझे और मेरे पुत्र को देख सकते हो।
अब तो शनिदेव दुविधा में पड़ गए कि क्या करूं क्या नहीं। काफी सोच विचार करने के बाद शनिदेव ने माता पार्वती की ओर न देखकर बालक गणेश की ओर देखने का मन बनाया, और जैसे ही शनिदेव ने बाल गणेश की ओर देखा उसी क्षण शाप के कारण बालक का मस्तक छिन्न हो गया और भगवान कृष्ण में समाहित हो गया। यह देखकर माता पार्वती सहित सभी लोग व्याकुल हो गए। शनिदेव तो अभी भी अपना सिर झुकाए खड़े थे। पूरे कैलाश पर मातम सा छा गया। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ का स्मरण किया। गरुड़ जी के प्रकट होते ही भगवान विष्णु उन पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर निकले। पुष्पभद्रा नदी के निकट एक हाथी और हथिनी सो रहे थे। तब श्री हरि ने अपने चक्र से उस हथिनी के बालक के मस्तक को काट दिया और वो मस्तक ले जाकर बाल गणेश के धड़ पर लगा दिया। इस पर पार्वती जी ने आपत्ति की, ये तो कोई षड्यंत्र लगता है, अब तो मेरा पुत्र कुरूप नजर आएगा। इस पर भगवान विष्णु ने पार्वती जी को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर आपकी ये चिंता है तो मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि यह बालक सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा। पूरे विश्व में इस बालक का पराक्रम सबसे ज्यादा होगा। यह भक्तों को सदैव संतुष्ट करेगा और प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। तब जाकर पार्वती देवी का क्रोध शांत हुआ। एक समय परशुराम जी भगवान शंकर के दर्शन के लिए जब कैलाश पर गए तो भगवान तो निद्रा में थे और द्वार पर गणेश जी थे। गणेश जी ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन परशुराम जी तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में फैसला हुआ कि हम आपस में युद्ध करते हैं, जो जीतेगा उसी की मर्जी चलेगी। खूब घमासान युद्ध हुआ। अंत में कोई राह न देखकर परशुराम जी ने अपना परशु गणेश जी की ओर फेंका। ये परशु भगवान शिव से वरदान स्वरूप में परशुराम जी को प्राप्त हुआ था। तब अपने पिताजी के कारण उस परशु का सम्मान करते हुए गणेश भगवान ने वो परशु अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने दांत से परशु पकड़ा, उनका दांत मूल से ही उखड़ गया। चारों ओर भारी गर्जना हुई। तब भगवान शिव की भी निद्रा खुल गई और पार्वती जी भी बाहर आ गई। पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश की यह हालत देखी तो उन्हें परशुराम पर बहुत क्रोध आया। इससे पहले कि और कुछ होता, परशुराम जी ने मन ही मन में भगवान शंकर को प्रणाम किया और वहां से चले गए। तभी से भगवान गणेश की एक दंत गणेश के रूप में पूजा होने लगी। बोलिए एक दंत गजानन गणेश की जय हो। त्रेता युग में उग्रेक्षण नाम का एक राक्षस हुआ। उस राक्षस ने इतना आतंक फैलाया कि सभी देवता भी त्रस्त हो गए। सभी देवता गुरु बृहस्पति देव की शरण में गए तो बृहस्पति देव ने उनसे गणेश चौथ का व्रत रखने को कहा। तब सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति जी की आज्ञा से गणेश चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर गणेश जी ने देवताओं को वरदान दिया कि जल्दी ही माता गौरी के पुत्र मयूरेश्वर के रूप में उनका जन्म होगा और उसके बाद वे उस राक्षस उग्रेक्षण का संहार करेंगे। जब भगवान शिव को पता चला कि सभी देवता युद्ध में हार गए हैं, उग्रेक्षण ने सबको हरा दिया है, तो वे माता पार्वती को लेकर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहां रहकर माता पार्वती ने तपस्या की। तपस्या के फल से उनके घर में बालक मयूरेश्वर ने भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को जन्म लिया। उस दिन चंद्रवार स्वाति नक्षत्र सिंह लग्न के साथ पांचों लग्नों का साथ था। उन बालक का जातकर्म संस्कार कराया गया। बालक मयूरेश्वर को मारने के लिए उग्रेक्षण ने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन मयूरेश्वर के आगे कोई भी नहीं टिक सका। जब मयूरेश्वर विवाह के योग्य हुए तो उनकी विवाह की बात चलने लगी। विवाह में जाने के लिए सबको संदेशा भेजा गया, लेकिन राक्षस उग्रेक्षण के डर से सबने आने से मना कर दिया। तब मयूरेश्वर ने वचन दिया कि अब वे विवाह उग्रेक्षण की मृत्यु के बाद ही करेंगे। फिर उन्होंने उस राक्षस उग्रेक्षण का वध कर दिया और उसके बाद धूमधाम से मयूरेश्वर का विवाह किया गया। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। श्री गणेश स्तोत्र। जो भी मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है या इसे सुनता है, उसकी भगवान गणेश सर्व विधि रक्षा करते हैं। उसे धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। मैं उन भगवान गजानन की वंदना करती हूँ जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वर्ण और सूर्य के समान दैदीप्यमान कांति से चमक रहे हैं। सर्प का यह गोपवीत धारण करते हैं, एक दंत है, लंबोदर है और कमल के आसन पर विराजमान है। मैं उन भगवान गणपति की वंदना करती हूँ जो केयूर हार किरीट आदि आभूषणों से सुसज्जित हैं, चतुर्भुज हैं और अपने चार हाथों में
पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा को धारण करते हैं, जो तीन नेत्रों वाले हैं और जिन्हें दो स्त्रियां चवर डुलाती रहती हैं। मैं उन सुंदर स्वरूप वाले दीन प्रतिपालक भगवान गणपति की शरण ग्रहण करती हूँ, जो षडक्षर मंत्र गम गणपते स्वरूप हैं और अनेक आभूषणों से सुसज्जित हैं, तथा भार्गव आदि श्रेष्ठ मुनीश्वर जिनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। मैं उन भगवान विनायक की शरण ग्रहण करती हूँ, जो वेदांत में वर्णित पर ब्रह्म हैं, त्रिभुवन के अधिपति हैं, देवता सिद्धादि से पूजित हैं, एकमात्र पुण्य से ही प्राप्त होते हैं और जिन गजानन के भाल पर द्वितीय की चंद्र रेखा सुशोभित रहती है। मैं उन भगवान गणेश की वंदना करती हूँ, जो संसार की दुख ज्वाला में जलते हुए अपने भक्त को स्वकीय मस्तक से बहते हुए जल की शीतल धारा से शांति प्रदान करते हैं, जिनकी महिमा अतुलनीय है, जिनके नेत्र अज्ञान रूपी अंधकार के लिए शत्रु स्वरूप यानी प्रकाश स्वरूप है। चंद्रमा की ओर आकृष्ट हुए वे गणपति भगवान मेरी रक्षा करें, जो अपने टूटे हुए एक दांत को मन में याद करते हुए भगवान शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रकला को देखकर अपनी मोहक सूंड से उसे खींचना चाहते हैं। पिता भगवान शंकर की जटाओं में स्थित गंगा को देखकर कौतूहल पूर्वक उसमें विहार करने की इच्छा रखने वाले वे गजानन सदैव मेरी रक्षा करें, जिन्हें हिमालय पुत्री माता पार्वती ने ऐसा करने से रोक दिया था। वे लंबोदर सभी भय से मेरी रक्षा करें, जो देव बालकों के साथ खेलते हुए कुमार षडानन को खेल में हराकर अपनी सूंड उठाकर दांत दिखाते हुए सुंदर नृत्य करने लगती हैं। वे गणेश मेरी रक्षा करें, जो भगवान विष्णु के नाभि में कमल को देखकर शीघ्रता पूर्वक वहां जाकर अपनी सूंड से उसे उखाड़ने की इच्छा रखते हैं, किंतु ब्रह्मा की प्रशंसा पूर्वक बातें सुनकर उस लीला से विरत हो जाते हैं, अर्थात उस नाभि कमल को छोड़ देते हैं। मैं अपने हृदय कमल में उन गजानन का स्मरण करती हूँ, जो अपने श्रेष्ठ गंड स्थल से बहते हुए मद जल पर गूंजती हुई भवरों की पंक्ति को अपने कान की फटकार से उड़ाते रहते हैं। भगवान शंकर की जटाओं में स्थित जहोपुत्री गंगा के जल को अपनी सूंड में लेकर अपने पिता शिव शंकर पर लीला पूर्वक डालकर उनकी पूजा करने वाली वे गजानन गणेश मेरी सदा रक्षा करें, जिनका मुख हाथी के समान है, जिनके शरीर पर केशर का अंगराग सुशोभित है, मस्तक पर अरुण वर्ण वाले सिंदूर का लेप शोभायमान है, जिनकी सूंड रक्त चंदन से लिप्त है, समस्त मनोकामना देने वाले उन भगवान गणेश को अपने हृदय में सभी को ध्यान करना चाहिए। षडानन कार्तिकेय द्वारा पिए गए अपनी माता के स्तन युगल को स्वयं पीने से पूर्व जो अपनी सूंड में विषम जननी गंगा का जल लेकर उसे धो लेते हैं, वे गजानन हमें प्रसन्नता प्रदान करें, जो छोटे शरीर वाले किसी पुण्य के प्रभाव से इस धरित्री पर शिशु के रूप में प्रकट हुए हैं, वेदादि शास्त्रों के आदि प्रवक्ता हैं, समस्त लोगों के एकमात्र वंदनीय हैं, उन विघ्नेश्वर को बारंबार नमस्कार है। उन अद्वितीय कांत स्वरूप भगवान गजानन की मैं वंदना करती हूँ, जिनके सौंदर्य से मुग्ध मृगाक्षी देव सुंदरियां उनके मदपूरित श्री अंगों का आलिंगन करती हैं और जो विघ्न समूहों को नष्ट करने में दत्तचित्त हैं। वे भगवान गजानन मुनियों देवों और भक्तों की मार्ग आदि में सर्वत्र रक्षा करें, जिनका गजमुख कोटि सूर्य प्रभा से आलोकित है और भगवान पंचानन शिव जिनके मुख का स्नेह पूर्वक चुंबन करते हैं, जिन्होंने महर्षि व्यास द्वारा कहे गए पुराण को भली भांति विचार कर अपने दांत की नोक से पूर्ण रूप से लिखकर प्रदान किया, उन शशि शेखर भगवान शिव के पुत्र आदि रूप गणेश का मैं चित्त में स्मरण करती हूँ। समुद्र पर खेलते हुए जिन गजमुख की परछाई को जल में देखकर समुद्र भयभीत हो गया और चिंतित होकर पूछने लगा कि यह किसकी परछाई है, तब देवता स्तोत्रों के द्वारा उन विश्वेश्वर गणेश की स्तुति करने लगे, जो समस्त ज्ञान के मूल कारण है, जिनका कोई कारण नहीं, त्रिलोकी की समस्त स्थितियों में जिनकी प्रथम वंदना होती है, जो सभी के वंद्य हैं, जिनका कोई वंद्य नहीं, जो स्थान रूप भगवान शंकर के ही अपर रूप है, वे भगवान गणेश सदा हमारी रक्षा करें, जो शुद्ध चित्त से भक्ति पूर्वक समाहित होकर अत्यंत प्रेम से इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी यहाँ लक्ष्मी सदा निवास करती है, वे भगवान गणेश हमारे दरिद्रीय समूह का विनाश करें। बोलिए गजानन गणेश की जय हो।
लक्ष्मी माता की जय हो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। राम जी आना लक्ष्मण जी आना, राम जी आना लक्ष्मण जी आना। संग मिलाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना। बोले शंकर जी को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना। सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। विघ्नों को हरना मंगल करना, विघ्नों को हरना मंगल करना। कारज शुभ कर जाना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, माथे सिंदूर सोहे मोसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सकल की जे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
बोलिए गजानन गणेश की जय हो।